ओम प्रकाश राजभर का एक बाइट सुनी है कि जे अपने बेटे समाजवादी के लिए पिछली बार जो भाजपा के साथ थे तो कहें जे अपने बेटी बहन के जे साइकिल के हाथ उत्ती मुहर लगाई थे अपने बेटी बहन के साथ एक घात करी। अच्छा अब वे उल्टा कहते हमें कि सपा के साथ करते अब क्या कहते हैं अब बेटी बहन के साथ एक घात करे कहते हमें कि ना करे कहते हैं राजभर कुछ सोचे पहले दोनों लोगों ने मिलकर गठबंधन कर लिया तो इस ना अब अभी बतावे बेटे पंजाबी साइकिल के साथ गई बाटे तो अपने बेटी बहन के साथ घात करिए कि ना करिए अपने ही बयानिक पहले सही करें तब बतावे तो वोटे करती नावे हमन लगे। महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, जब जब चुनाव आता है इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हराना था 80 रुपया कर दिए, जिस दिन हारे उसके अगले ही दिन से 20 रुपया में प्याज मिलने लगी। ठीक अब इधर चुनाव आ रहा है, सब जितने भी माफिया है वो सब रोक के रखे हुए हैं सारा सामान, सड़ा देंगे जला देंगे लेकिन उसको कम दाम में बेचेंगे नहीं। जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन 10 रुपया आलू मिलने लगेगा, 20 रुपया प्याज मिलने लगेगा, अभी ये महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। ये सब विपक्ष की राजनीति है योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए, और जनता सब समझ रही है अब वह 80 रुपया प्याज वाली गलती अब भविष्य में नहीं हो। लगता है आजादी के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह का विकास किसी पार्टी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, और उनके टक्कर में कोई नहीं है। अगर आप उसका ऑप्शन देखेंगे कोई टक्कर नहीं है, कोई विजन नहीं है उनके पास, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते उनको यही नहीं पता है कि वैक्सीन किस देश का है, भारत का बना है अमेरिका का बना है, वह अपने देश के वैक्सीन तक को नहीं मानते हैं, वो जिन्ना का सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन का, वो राष्ट्र को ही अपना नहीं मान रहे हैं। तो पहले वो क्लियर हो लें कि वो किस राष्ट्र के हैं। योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रदेश ही घर है, केवल गोरखपुर ही नहीं, और उनके पास कई चश्मे नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश को एक चश्मे से देखते हैं, और जितना विकास उन्होंने गोरखपुर का किया है उतना ही विकास उन्होंने बाकी सारे जिलों में किया है, और उनके मैनिफेस्टो में जितना जितना था लगभग लगभग वो सब कुछ पूरा हो गया। और एक ऐसी समस्या जो 500 वर्षों से थी, राम मंदिर का मुद्दा, उसको भी अपने मैनिफेस्टो में वो लोग डाले थे, और योगी मोदी दोनों लोग मिलकर के उसको भी पूरा किए, और पूरा रीढ़ी है हिंदू समाज सनातन धर्म, और युगों युगों तक उनका रीढ़ी रहेगा कि उन लोगों ने जो कार्य किया आज तक, जिसको कहा जाता था कि भविष्य में कभी यह कोई कर नहीं सकता है, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया, और उनके लिए सारी बुराइयां एक तरफ और राम मंदिर एक तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, मैं हूं आपके साथ विवेक। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों की, वो बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। कुछ ही महीने बचे पड़े हैं चुनाव को लेकर के, जो तैयारियां हैं वो जिस तरीके से चल रही हैं उसको लेकर के यही लग रहा है, और लोग कह भी रहे हैं कि इस बार बदलाव भी हो सकता है, या फिर हो सकता है फिर से भाजपा की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर शहर के सिविल कोर्ट वाली जगह पर, जहाँ पर शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं, और इस वक्त जो है लोग चाय पे बैठे हुए हैं, चाय पे एक तरीके से चर्चा होने जा रही है, तमाम अधिवक्ता लोग मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ सीनियर वर्ग के भी लोग मौजूद हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार अधिवक्ता होते हुए जो है इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल को जो है योगी सरकार के वो किस तरीके से आंका है, और कितना बेहतर प्रशासन जो है या कितना बेहतर शासन जो है यूपी गवर्नमेंट ने 4.5 साल में दिखाया है। बातचीत की शुरुआत करेंगे सभी लोगों से जो है, तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे, सबसे पहले अपना शुभ नाम। मनोज उपाध्याय, दीवानी कचहरी गोरखपुर। क्या लग रहा है कि 4.5 साल में योगी बाबा जी ने कितना खुश किया है अपने गृह यानी कि अपने इस घर को, और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रदेश ही घर है, केवल गोरखपुर ही नहीं, और उनके पास कई चश्मे नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश को एक चश्मे से देखते हैं, और जितना विकास उन्होंने गोरखपुर का किया है उतना ही विकास उन्होंने बाकी सारे जिलों में किया है, और उनके मैनिफेस्टो में जितना जितना था लगभग लगभग वो सब कुछ पूरा हो गया। और एक ऐसी समस्या जो 500 वर्षों से थी, राम मंदिर का मुद्दा, उसको भी अपने मैनिफेस्टो में वो लोग डाले थे, और योगी मोदी दोनों लोग मिलकर के उसको भी पूरा किए, और पूरा रीढ़ी है हिंदू समाज सनातन धर्म, और युगों युगों तक उनका रीढ़ी रहेगा कि उन लोगों ने जो कार्य किया आज तक, जिसको कहा जाता था कि भविष्य में कभी यह कोई कर नहीं सकता है, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया, और उनके लिए सारी
बुराइयां एक तरफ और राम मंदिर एक तरफ, वो राम मंदिर का निर्माण करवा दिए और अब चाहे वो कुछ किए हो या ना किए हो, किए तो बहुत कुछ हैं, तो वोट उनको जाएगा और पूरे प्रदेश की जनता 300 प्लस मतों से पुनः योगी आदित्यनाथ की सरकार को लाने का काम करेगी और पुनः 2027 तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे और कोई और उनके टक्कर में कोई नहीं है। अगर आप उसका ऑप्शन देखेंगे, अखिलेश थोड़ा बहुत, कोई टक्कर नहीं है, कोई विजन नहीं है उनके पास, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, उनको यही नहीं पता है कि वैक्सीन किस देश का है, भारत का बना है, अमेरिका का बना है, वह अपने देश के वैक्सीन तक को नहीं मानते हैं, वो जिन्ना का सपोर्ट कर रहे हैं, वैक्सीन का वो राष्ट्र को ही अपना नहीं मान रहे हैं। तो पहले वो क्लियर हो लें कि वो किस राष्ट्र के हैं और किस राष्ट्र में लड़ना है, पहले जाति, जब पहले राष्ट्र क्लियर हो जाएगा फिर देखा जाएगा कि क्या वो करता चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। अच्छा, बीजेपी की बात जब आती, चाहे केंद्र की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, कहा जाता था कि राम मंदिर का मुद्दा लेकर के ही जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, राम मंदिर का मुद्दा जो है सबसे पहले उसी को ऊपर रखा जाता था और उसी के दम पर जो है हमेशा से सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। खैर, उसमें तो सफल हो गई, लेकिन कार्यकाल अगर मैं सड़क, बिजली, पानी, योजना की बात करूं तो इस पर कितना धरातल पे चीज़ें दिख पाई हैं? जहां तक सड़क की बात है, हमारे दृष्टिकोण से अब ऐसी कोई सड़क ही नहीं होगी जो बची होगी बनने से। सड़क पर तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से कार्य कर रही है। बिजली 18 घंटा गाँव में, शहर में, देहात में, टाउन एरिया में, महानगर पालिका, महानगर, जिस स्तर का जो है, जहाँ से टैक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है उनको और जहाँ से टैक्स नहीं आता है उनको, सबको एक समान 18 घंटे की बिजली दे रहे हैं। नेट जो एक 500 रुपये में 1 GB एक महीने में मिलता था, आज 1.5 GB आप रोज लीजिए और उसी के नीचे बैठ करके मोदी जी को उल्टा सीधा बोलिए, तो ये तो बुरी चीज़ है। बहुत काम उन्होंने किया है और हमको लगता है आज़ादी के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह का विकास किसी पार्टी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। अच्छा, कहा जाता है कि रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। महंगाई तो इस कदर बढ़ रही है कि लोगों का जीना हराम हो रहा है। महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। जब जब चुनाव आता है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हराना था, 80 रुपया कर दिए, जिस दिन हारे उसके अगले ही दिन से 20 रुपया में प्याज मिलने लगी। ठीक, अब इधर चुनाव आ रहा है, सब जितने भी माफिया हैं वो सब रोक के रखे हुए हैं, सारा सामान सड़ा देंगे, जला देंगे, लेकिन उसको कम दाम में बेचेंगे नहीं। जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन 10 रुपया आलू मिलने लगेगा, 20 रुपया प्याज मिलने लगेगा, अभी ये महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। ये सब विपक्ष की राजनीति है, योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए, और जनता सब समझ रही है अब वह 80 रुपये प्याज वाली गलती अब भविष्य में नहीं होगी। 100 रुपये किलो टमाटर, 100 रुपये किलो टमाटर है, टमाटर की पैदावार अभी शुरू हो रही है, 10 दिन रुकी है, 10 रुपया 5 रुपया मिलने लगेगा। हाँ, थोड़ा सा पानी बरस गया था, कोई समस्या नहीं। ये सब होते, देखिए ये सब सब्जियों का दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये हर गवर्नमेंट में हुआ है। योगी जी में चुनाव आया है तो विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अपना रुपया परचरवा में लगाने की जगह पर सब्जियाँ का स्टकवा रोक करके सड़ा दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। अखिलेश मायावती के लिए क्या कहेंगे ओवैसी, केजरीवाल, ये चार चार ऐसे विरोधी लोग आ रखे हैं विपक्ष में जो कह रहे हैं कि जो है इस बार उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मैं स्वागत करता हूँ चंद्रशेखर रावण का, मैं स्वागत करता हूँ ओवैसी का, ये लोग आवें और यहाँ दमदारी से लड़ें। हम चाहते हैं लोकतंत्र और मजबूत हो, और जब तक ओवैसी उत्तर प्रदेश में लड़ने नहीं आएंगे लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या, सबका भागीदारी होना चाहिए, सभी लोग आवें और देखें कि यहाँ पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो जीतता है वही राष्ट्र की राजनीति करता है। अच्छा, निषाद पार्टी के जो संजय निषाद है, उन्होंने कुछ दिन पहले बड़ा बेतुका बयान दिया था, खास तौर से हिंदुत्व को ठोस पहुंचाने वाली बात थी। उन्होंने कहा था कि जो है राम भगवान को लेकर के बयान दिया था, खैर मैं उस बात को कहना नहीं चाहूँगा, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी, सब भक्तों की अभिव्यक्ति है, संजय निषाद के अंदर अकूट भक्ति भरी हुई है भगवान राम के प्रति, ठीक ना, वो निकाल रहे हैं कुछ नहीं, कहीं उनको दूषित मानसिकता के साथ वो नहीं कहे, वो तो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, साथ साथ उनके निषाद राज साथ साथ रहे, उनकी सहायता किए, तो वो जो कहे वह मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। वो संजय निषाद बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। चलिए एक बात बताइए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि
क्या लग रहा है इस 4.5 साल में जो आपकी विधानसभा, आपके शहर की जो बात है वो कितना डेवलप हुई है, आपका शहर कितना बदला गोरखपुर? अरे हमारा शहर पेरिस बनने की कगार पे चला गया। अगर यह अगले 5 साल और रह गए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि हम भारत में हैं विदेश में हैं। यूरोपीय स्तर की सारी व्यवस्था होने जा रही है। जरा कुछ बताइए, कुछ गिना दीजिए। अरे जहाँ 1 लेन की सड़क थी वहाँ 4 लेन की सड़क हो गई, जहाँ नाला नहीं था वहाँ एकदम बढ़िया नाला, अंडरग्राउंड सब कुछ, केबल, गैस पाइपलाइन, घरों में गैस की व्यवस्था। अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग तो सोचे ही नहीं थे कि यह सब भी भारत में हो सकता है। भारत छोड़िए तो हमारे शहरिए में हो रहा है। तो महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है? महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है, सब भ्रम है, ये फैलाया गया है साइकोलॉजिकली। कहा जा रहा है कि एक ही बात को 100 बार कहिएगा, चोर 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 चोर, तो चोर सभी लोग कहेंगे हाँ लगता है चोर है। वही है महंगाई 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 100 बार दोहरा रहे हैं, कहीं नहीं महंगाई है। इससे बड़ा भ्रम है दुनिया में नहीं कोई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ महंगाई है? महंगाई कुछ भी नहीं है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। चलिए, आपका नाम? फड़ीस चंद। फड़ीस जी, फड़ीस जी, आप बताइए जो है क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस भी बड़ा मजबूती के साथ दांव जो है दांव पिच अपना रही है। प्रतिज्ञा रैली जो है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हुआ है गोरखपुर शहर में, जो है अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली है। तो क्या लग रहा है कि केंद्र की दो ही पार्टी थी, एक थी कांग्रेस और एक थी भाजपा, क्या लग रहा है कांग्रेस फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत टक्कर दे पाएगी? कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मौसमी जब मन करता है तो ब्राह्मण बन जाते हैं, जब मन करता है तो पुजारी बन जाते हैं, जब मन करता है मुस्लिम बन जाते हैं, जब मन करता है ईसाई बन जाते हैं। ये लोग किसलिए नहीं कर पा रहे हैं? अपना धर्म क्या है? अपना धर्म क्या है? और जो जो भीड़ की आप बात करें, चंपा देवी पार्क में भीड़ नहीं थी, वो पैसे द्वारा बुलाई गई भीड़ थी, जो पैसे द्वारा बनाए, कई यहाँ से लेके मऊ, मऊ से लेके गाजीपुर से बुलाई गई भीड़ थी। वो भीड़ उत्तर गोरखपुर की भीड़ नहीं थी। गोरखपुर की जनता राहुल प्रियंका जी को हाथ के पंजे को सिर्फ साफ करने के अलावा और किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। अच्छा, उसी हाथ से जो है लोग काम करते हैं, लेकिन उसी हाथ को लोग सफाने के चक्कर में है। हाँ नहीं नहीं सफाने के चक्कर में नहीं है। अरे भाई आप हाथ पंजा को क्या कहें, बहुत जगह पर, लेकिन अब वो साथ से का ख़त्म हो गया है। अब कुछ दूसरी नई चीज अब सोच होनी चाहिए। तो एक बात बताइए कि जैसे बात हो गई बीजेपी को लेकर के, जो है अखिलेश को लेकर के, अखिलेश एक युवा नेता है, हमेशा कहा जाता है युवा सोच, युवा राजनीति जब करते हैं तो कुछ अलग करते हैं, देश के लिए अच्छा योगदान होता है उनका, प्रदेश के लिए होता है। तो अखिलेश को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव जी युवा थे उस समय, इन्होंने क्या किया कि जब इनका एक्सप्रेस हाईवे वे बनाया, जो इनका यमुना एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो सिर्फ खाली पश्चिम के लिए बनाया, पूर्वांचल के लिए क्या बनाया? वो तो पूज्य महाराज जी आए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया, तो ये पूर्वांचल के लोगों के लिए भी फायदा हो गया। वो जब भी कोई भर्ती होती थी युवाओं के लिए तो खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यादव ही खाली भर्ती होता था। पूज्य महाराज जी की सरकार में हर जाति, हर धर्म, हर जगह का युवा भर्ती हुआ। तो इसलिए अखिलेश जी दो चश्मे से देखते थे, पश्चिम को अलग, पूरब को अलग। इसलिए हम लोग विजय रथ यात्रा लेके आए थे, कह रहे थे हमने अच्छी भीड़ भी इकट्ठी कर रखी है और इस बार जो है हम बदलाव करेंगे पूर्वांचल में। अरे पूर्वांचल जब सरकार थी तब बदलाव ही नहीं किए, अब का बदलाव करेंगे? अब कोई बदलाव नहीं है, अब पूज्य महाराज जी एक ही बस। 300 प्लस का, हाँ 300 प्लस का 400 मानी है। 400 मतलब पूरा सफाया हो जाएगा? पूरा सफाया, विपक्ष रही नहीं जाएगा महाराज। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या कहेंगे? अरे ओम प्रकाश राजभर का एक बाइट सुनिए कि जे अपने बेटे समाजवादी के लिए पिछली बार जो भाजपा के साथ थे तो कहें जे अपने बेटी बहन के जे साइकिल के हाथ उत्ती मोहर लगाई थी अपने बेटी बहन के साथ एक घात करी। अच्छा, अब वे उल्टा कहते हमें कि सपा के साथ करते, अब क्या कहते हैं? अब बेटी बहन के साथ एक घात करे कहते हमें कि ना ही करे कहते? अब राजभर खुद सोचे पहले, ये दोनों लोगों ने मिलकर गठबंधन कर लिया तो इस ना अभी बतावे बेटे पंजाक साइकिल के साथ गई बाटे तो अपने बेटी बहन के साथ घात करिए कि ना करिए? अपने ही बयानिक पहले सही करें तब बतावें, तो वोटे करती नावे हमन लगे। तो बाबा जी पक्के हैं यहाँ से और पूरे यूपी से? फिर जी का कोई जवाब ही नहीं है। अब बाबा जी का ना एम्स हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हुआ, और आप चले जाइए नौकायान पे चले जाइए, वो पार्क की कंडीशन देख लीजिए, सब अच्छा है। अब थोड़ा बहुत हर सरकार में रहता है, ये तो रहना ही चाहिए। अब कोई 100 में 100 थोड़ी ना पा जाएगा। अरे 1-2% का दिन तो कहीं भी, हम ये नहीं कहते कहीं ना कहीं, भाई हर चीज़ को माना जाएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा।